हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल सर्जी चैनल पे। तो फ्रेंड्स, 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखिए और याद कीजिए सारे आंसर, क्योंकि हो सकते हैं फ्यूचर में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया है कि परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो टेंसले ने परितंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सीएम ऑफ नागालैंड पूछ लिया गया है, तो सीएम ऑफ नागालैंड क्या होगा? निफ्यू रियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर होने वाला है? तो ये होने वाला है इंडिया में, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चंस बार बार हर दिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर डैम किस रिवर पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया गया है, तो अमरिंदर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अमरिंदर सिंह है जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे IMF का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है Washington DC। और ये क्या करती है? ये प्रमोट सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करती है। देखिए, सस्टेनेबल ग्रोथ और सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विकास संपदा योजना के संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, इस योजना के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला की लेखक के बारे में पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आपके ALP एग्जाम में भी रिपीट हुआ था और आपके ग्रुप डी में भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। और जो दूसरे लेखक है, दूसरे बुक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट, मैं उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अमित त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ हम मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 क्रमांकत विषम संख्याओं का योग 87 है, तो इस सीरीज का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए जो कि विषम संख्या है वो x है। विषम संख्या मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह का जो विषम संख्या होता है उसे हमने x मान लिया है। तो देखिए, तो x के पहले का विषम संख्या क्या होगा? x-2। अगर मान लीजिए 3 है एक, तो 3-2 1, इससे पहले का एक होता है 1, और इससे बाद का क्या होगा? 3+2। दैट इज, अगर हमने 3 को x मान लिया है ना, तो इससे पहले का अंक क्या होगा? x-2, और इसके बाद का x-x+2। ठीक है, तो वैसे ही हमने माना यहाँ पे, तो पहला अंक है x, दूसरा है x+2 और तीसरा है x-2। यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों का योग, तो हमने क्या किया है, तीनों को जोड़ दिया है और इक्वल टू कर दिया है 87 से। तो यहाँ पे x का मान निकल गया है, वो होगा 29। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो 29-2 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर है 27 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो खुद के 1/5 से 25 ज़्यादा है। खुद के 1/5 से 25 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए वह संख्या x है। ठीक है, वह संख्या x है, तो क्या बोला है कि वह संख्या किसके बराबर है? अपने 1/5 और +25, अपने 1/5 और +25, समझ रहे हैं? हमने क्या किया, इसे x=x/5 + 25 कर दिया है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 125/4। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इसमें आपको ऑड नंबर कौन सा लग रहा है? 12 है, 19 है, 15 है, 6 है। तो आप अगर गौर करेंगे तो जो 12 है आपका 3 से डिवाइडेबल है और 6 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, लेकिन 19 डिविजिबल नहीं है, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया x-1/x=5, ये गिवन है, तो x²+1/x² का क्या मान होगा? आप क्या करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, कितना आएगा? 27 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका कि राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में करते हैं, अगर राम उसी काम को 36 दिनों में करता है तो श्याम उस काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, राम और श्याम 20 दिन में करता है और राम अकेला 30 दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे।
दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो जो 180 आया वो काम आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम और श्याम 180 काम को 20 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो डिवाइड कर देंगे, 9 काम करेगा। वैसे राम जो है 180 काम करता है 30 दिनों में, एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 9 आया, ये आया राम और श्याम का एक दिन का काम, और जो राम है वो एक दिन में 5 काम कर रहा था। तो अगर हम 9 में से 5 घटा देंगे तो श्याम का काम निकल जाएगा। श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर 4 काम एक दिन में श्याम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4। वैसे 180 काम को कितना में करेगा, तो 1/4 × 180, तो 45 दिन लगेगा बी को वही काम करने में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 29 का 58 है, तो 17 का कितना वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे 29 × 2 = 58, 58 यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 34 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें कौन सा नंबर दिया गया, ये सीरीज दिया गया आपको, यहाँ आपको विषम शब्द कौन सा आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन है, तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिक्स 2018 के बारे में पूछ लिया गया था, समिट के बारे में। तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। और ये कितना सम्मेलन था, कौन सा वह सम्मेलन था, ये 10वां सम्मेलन था, ठीक है। तो और इसके सदस्य कौन कौन है, मेंबर कौन कौन है ब्रिक्स के, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन सबसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, मैंने चैनल पर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो भी डाला है, तो वो भी आप देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी एंड बी सेफ।